हर वर्ष अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होती है। शारदीय नवरात्र के दौरान विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, साथ ही माँ दुर्गा के निर्मित व्रत रखा जाता है। नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा के प्रथम स्वरूप माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। धार्मिक मत है कि माँ शैलपुत्री की पूजा करने से साधक के सकल मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं, साथ ही सुख और सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है। अगर आप भी माँ शैलपुत्री की कृपा के भागी बनना चाहते हैं तो नवरात्र के पहले दिन विधि विधान और भक्ति भाव से माँ शैलपुत्री की पूजा करें। तो फिर आइए आज हम आप सभी को लिए चलते हैं प्रशांत विहार के माता वैष्णो मंदिर पे और दर्शन करवाते हैं आपको माता वैष्णो माँ जी के। चलिए तो फिर हम आपको मिलवाते हैं यहाँ के प्रधान जी से और बात करते हैं यहाँ की महिमा के बारे में। नवरात्र आज माँ शैलपुत्री की सवेरे माँ शैलपुत्री की पूजा की गई, उसके साथ कन्या 9 कन्याओं का पूजन करके और उनको पूजन किया गया। कुछ साहब से मैं बात करना चाहूँगा, कुछ साहब जी क्या कहेंगे कि पहला दिन कैसा रहा? आज भक्तों का बहुत तांता लगा हुआ, लोग सच्चे मन से भगत इस यहाँ पर आकर पूजा करते हैं। हर साल की हर 6 महीने बाद ये नवरात्र महोत्सव यहाँ बड़े उल्लास से मनाया जाता है और यहाँ क्या क्या व्यवस्था है? मस्त मंदिर में सारी जितनी सुचारू रूप से बाहर लाइट हैं, अंदर की साजो सामान है सारा और साज व्यवस्था और चौकी, माता की चौकी, तुलसी पूजन, कंजक पूजन, ये सारी व्यवस्था की है। और यहाँ अष्ट जहाँ सबसे स्पेशलिटी है कि मंदिर के साथ अष्ट धातु की मूर्तियाँ लगी हुई हैं, जो छत्रपुर मंदिर के बाद ये पहला मंदिर है जहाँ पर अष्ट धातु की मूर्ति है। सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये सब अष्ट धातु की मूर्तियों से बनाई गई है। जितनी परिक्रमा में आप देख रहे होंगे, सुबह से अभी तक कितने भक्त? कम से कम 2000 के करीब भगत आ 2000 के करीब भगत आ चुके हैं। 2000 के करीब भक्त अभी इस वक्त तक नौ दिन ऐसे चलेगा। और इससे नहीं, इसके साथ माता का कीर्तन, जो संकीर्तन कीर्तन चलता है, भंडारे चलते हैं और खीर का भंडार है, व्रत का प्रसाद बंटता है सारा दिन। बोलते हैं कि जो माता वैष्णो मंदिर नहीं पहुंच पाए वो इस माता के मंदिर पे आके भी अपनी मुरादें पूरी, हाँ, उनकी सब मनोकामना माता रानी पूरी करती है। और क्या बताना चाहते हैं, क्या नया कुछ करने वाले हैं इस बार भक्तों को लेकर के, ताकि उन्हें सुविधा हो ज्यादा? भक्तों के लिए तो पूरी सुविधा है यहाँ पर, सारी लाइन लगवा कर सब करते हैं और प्रसाद दोपहर में कीर्तन होता है महिलाओं का, रात तक प्रसाद जो है मंदिर खुलने से मंदिर से तक रात तक व्रत का प्रसाद सभी भक्तों को दिया जाता है। मेरा नाम सत्यम त्रिपाठी जी,
क्या कहेंगे सर, नवरात्रों का शुभारंभ हो चुका है। हाँ जी, आज कौन सी माता का पूजन? आज शैलपुत्री माता का पूजा हुआ बड़ी धूमधाम से, श्री सिद्धपीठ वैष्णो माता मंदिर में, प्रशांत विहार में जी। और यहाँ हजारों में भक्तों की तैदार लगी रही जी। और माता रानी पूजा अर्चना 9 दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला? हाँ जी, 9 दिन इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा जी। इस माता की मान्यता ये है जी, जो मांगो सब मिलता है जी, कुछ ही मांग लो माँ से आगे वही सब मिलता है जी। तो माँ का उसका सब आशीर्वाद है, अब तो बड़ी कृपा है माँ की। और माँ पहली साहिल पुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री, ये सब रूप है माँ के यहाँ पे। नवरात्रों में नवरात्रे आते ही इस मंदिर की रौनक बढ़ जाती है हर साल। आपको श्रद्धा हैं, आप ट्रस्टी हैं आपके, तो और क्या क्या नया कर रहे हैं मंदिर में? सुबह से शाम तक प्रसाद बढ़ता है, भंडारा बढ़ता है जी, और भक्तों के लिए जितनी सुविधा होती है सब कोशिश करते हैं, सब देने को तैयार रहते हैं, कोशिश करते हैं ठीक है। तो शाम को डेली कीर्तन चलता है माँ का जी, माँ की चौकी रखी जाती है, एक दिन चौकी रखते हैं ठीक है। तो सारे दिन माँ की जय जयकार होती है, और तो बस यही है माँ का जयकारा ही शेरों वाली का, और साचे दरबार की जय। श्रद्धा भाव से अपनी कतार में अपनी पारी का इंतजार करते ये भक्त माँ दुर्गा जी के दर्शन के लिए सुबह से खड़े हैं। और हो भी क्यों ना, यहाँ माता जी की प्रतिमा ही कुछ ऐसी है कि 2 पल में ही आपकी आंखों से श्रद्धा के अश्रु आ जाएंगे। चलिए तो फिर बात करते हैं यहाँ पे मौजूद कुछ भक्तों से और जानते हैं कि उन्हें माता के दरबार में आकर कैसा लगता है। बहन जी, नवरात्रि का पहला दिन है और हम देख रहे हैं बहुत ही श्रद्धापूर्व आप यहाँ पे पहुँचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन को लेकर के? आपकी आंखें भी हम देख रहे हैं काफ़ी नम हो चुकी है माता के दर्शन करके। जो भी माता से हमने अपनी मनोकामना मांगी है वो पूरी हो जी, माता सब भक्तों की रक्षा करे, मनोकामना पूरी करे। ऐसे ही 9 के 9 दिन आप व्रत रखने वाले हैं यहाँ पे? हाँ, हम दर्शन के लिए आते हैं माता रानी के, रोज ही आते हैं, नवरात्रों में कुछ विशेष पूजा कर लेते हैं। भाई साहब, हम आपसे बात करेंगे, कैसा लगता है माँ के इस दरबार में आकर के? आपको बता नहीं सकते जी, बस फीलिंग ऐसी है कि आपके शब्द ही नहीं है आपके लिए बोलने के लिए। हम देख रहे हैं आप दोनों जो है जोड़ों के आंखों में मतलब श्रद्धा के आंसू बह रहे हैं, कुछ साझा करना चाहेंगे कि ऐसा क्या महसूस किया? माता जी की मूर्ति ऐसी है, अपने आप ही आंसू निकल आते हैं। जय माता दी भक्त। जय माता दी। क्या कहना चाहेंगे आज? हमारे प्रशांत विहार में बड़ा ही भव्य मंदिर है, इसको अपने आप में एक जो है सिद्धपीठ कहा जाता है। यहाँ के प्रशांत विहार के तमाम लोगों को सुविधा है, यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, जो अच्छी तैयारियाँ करते हैं, अच्छी देखभाल करते हैं, और 12 महीने यहाँ माता का जोत जलती है, अखंड जोत 9 दिन होते हैं, पेड़ पौधे तुलसी हमारे यहाँ बांटे जाते हैं, भंडारा लगाया जाता है, बहुत अच्छे हमारे यहाँ सुविधा है मंदिर के अंदर, पंडितों का भी बहुत अच्छा सहयोग है, यहाँ के भक्तजन भी बड़े अच्छे हैं, यहाँ बहुत ही आनंद आता है। मैं यहाँ डेली आता हूँ नित्य 365 दिन। बहन जी से हम खुला रहे, बहन जी से बात करेंगे। बहन जी, जय माता दी। आज पहला दिन है नवरात्रि का, तो घर में किस तरह की तैयारियाँ शुरू हो गई हैं? जैसे माता के मंदिर की है वैसे सोचते हैं घर की भी तैयारी करें हम लोग जी। तो 9 के 9 दिन आप उपवास रखने वाले हैं? नहीं, उपवास तो नहीं करेंगे क्योंकि कैमरे के सामने झूठ नहीं बोलेंगे जी, लेकिन श्रद्धा पूरी है कि अपना वो करें। जय माता, जय माता सबको जी। मेरे को ये मंदिर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर माता जी की बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, मंदिर भव्य सजा हुआ है, दूर दूर से सब देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो कीर्तन होता है शाम को वो बहुत ही सबको आनंद देने वाला होता है सबको जी। मेरे को ये मंदिर बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पर माता जी की बहुत अच्छी तैयारी हो रही है, मंदिर भव्य सजा हुआ है,
दूर दूर से सब देखने के लिए आते हैं। और यहाँ पर जो कीर्तन होता है शाम को, वो बहुत ही सबको आनंद देने वाला होता है, सबको बहुत आनंद आता है। और प्रसाद की भी बहुत ज़्यादा व्यवस्था होती है, तो सभी सुंदर साथ सभी भक्तजन बहुत दूर दूर से आते हैं मैया के दर्शन करने के लिए। और मैं भी यहाँ माता जी के दर्शन करने के लिए तो कुछ कोई एकाध भजन ही आप सुना दीजिए। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ। माँ का ये वो दरबार है जहाँ सभी के मनोरथ पूर्ण होते हैं। माँ सबकी झोलियाँ भरती हैं, इस दर से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं लौटा। माँ सबकी मुरादें पूरी करती हैं। और इसी के साथ साथ हम सभी भक्तजनों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं भी देते हैं। जय माता दी।